लेकर चलते हैं बिहार। कभी नीतीश कुमार के सुशासन का सूबा इसको कहा जाता था। कल रात आज तक संवाददाता रोहित सिंह पटना की सड़कों पर रियलिटी चेक करने के लिए निकले। उन्होंने अपनी आंखों से अपने कैमरे से क्या देखा, अब उसको बताते हुए हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में और इस वक्त रात के 12:02 हुए हैं, यानी 12 बज चुके हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के प्राइम लोकेशन इनकम टैक्स चौराहे पर और आपको यहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। 12 बजे का वक्त हो चुका है और हमारी पड़ताल यहां से शुरू हो रही है और पड़ताल के पहले पड़ाव पर ही पटना पुलिस फेल नजर आ रही है। तस्वीर देखिए, ये है पटना ट्रैफिक पुलिस का चेक पोस्ट और रात के 12 बज गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं चेक पोस्ट पर ताला लगा हुआ है, यानी कि इनकम टैक्स चौराहा जो कि एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर 2400 घंटे पुलिस होना चाहिए। दिन के वक्त यहाँ पुलिस रहती है, काफी संख्या में पुलिस रहती है, लेकिन रात के वक्त हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स के चारों तरफ कहीं भी पुलिस की ना कोई गाड़ी है, ना जिप्सी है, ना पुलिस का कोई नुमाइंदा या फिर पुलिसकर्मी जो है यहां पर नजर आ रहा है। इस वक्त रात के 12:40 हो चुके हैं। इस वक्त आपको हम अपनी घड़ी में दिखा रहे हैं, 12:42 जो है इस वक्त समय हो चुका है और हम मौजूद हैं पटना रेलवे स्टेशन के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पटना रेलवे स्टेशन है और महावीर मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वो भी यहाँ आपको हम दिखा सकते हैं और पटना रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ये एक पुलिस पिकेट है। आप यहाँ देखिए, ये पुलिस पिकेट है और रात बज के तकरीबन 1:15 हो चुके हैं और इस पुलिस पिकेट पर हम जब पहुँचते हैं तो हमें यहाँ कोई नहीं मिलता है। आप अंदर देखिए, अंदर यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और यहाँ हालांकि कुछ आप देख सकते हैं किसी के कपड़े यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ थैला भी रखा हुआ है, कुछ यहाँ पर जो रजिस्टर भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। स्टेशन के कुछ बाहर हम जब चलकर यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें पुलिस की पेट्रोलिंग जीप जो है वो दिख रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि पटना पुलिस के लोग जो है इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस वक्त हो गए हैं रात के 1:02 और हम मौजूद हैं जेपी गोलंबर पर। जेपी गोलंबर दरअसल यहाँ पर बिस्कोमान भवन भी है जो सभी लोग पटना में जो रहते हैं वो जानते हैं और दूसरी तरफ पॉश मौर्य होटल है और जेपी गोलंबर के ही ठीक सामने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पुलिस पोस्ट है और रात के 1:00 हैं और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पुलिस पोस्ट की कि किस तरीके के यहाँ पर हालात हैं। यहाँ देखिए, इस तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि देखिए इस पुलिस पोस्ट पर ताला लगा हुआ है। इस वक्त हम दानापुर को गांधी मैदान से जोड़ने वाले सड़क पर मौजूद हैं और इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान है और रात के 2:00 हैं और सामने कुर्जी इलाका पड़ता है और कुर्जी में भी जो है वहां पर एक पुलिस चेक पोस्ट है और हम वहां चल के भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रात के 2:00 इस इलाके के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। पोर्ट जो है वो कुर्जी मोड़ पर स्थित इस पुलिस पिकेट पर तो लगा हुआ है, लेकिन अगर किसी को वाकई में हेल्प की जरूरत हो तो हेल्प करने के लिए यहाँ पर
कोई भी मौजूद नहीं है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कुर्जी मोड़ पर स्थित इस पुलिस पिकेट की, और यहाँ देखिए आप सामने ताला लगा हुआ है। 12 बजे रात से हमने अपनी पड़ताल शुरू की, 2 बज चुके हैं और अपनी पड़ताल में हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पटना पुलिस मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर लोग पुलिस पेट्रोलिंग जरूर कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस नदारद है रात के वक्त। और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि अगर कंजावला कांड जैसी घटना अगर उन इलाकों में अगर हो जाए तो फिर वैसी घटना को पटना पुलिस कैसे रोक पाएगी। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।